ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਨਬੋਕਸਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਓ, ਤੋ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗੇ। ਜੋ ਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਨਕੋ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਸੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੈਸੇ ਹੋਗੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਟੂ ਚੈਨਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੋ V12 ਕਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਸੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੇ ਹੁੱਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਮੇਂ, ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੋ ਮੇਂ ਯੇ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਉਨਮੇਂ ਯਹੀ ਲਗਾਨਾ ਪੜਤਾ ਥਾ। ਜੋ ਆਪ ਫੋਟੋ ਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੇ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਸਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆ ਜਾਤਾ ਥਾ। लेकिन अभी इस हुक के साथ हम कनेक्शन कर सकते हैं, स्टीरियो में से यहाँ कनेक्शन आएगा और फिर यहाँ स्पीकर में जाएगा। हम फुल डिटेल वीडियो बनाते हैं इसमें और वायरिंग करके आपको दिखाते हैं, आप वीडियो देखते रहिए। तो जो पहले इसको वायरिंग को देख लेते हैं, इसमें एक ब्लैक पट्टी बनी होती है ये वाली, एक वाइट होती है, वाइट को प्लस में लगाएंगे और इसको ब्लैक को माइनस में लगाएंगे। और इसके जो इधर का प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, इसको ऐसे वायरिंग इसको सेट कर देंगे। ये ब्लैक है, इसको ब्लैक में लगाएंगे। वाइट को वाइट में लगाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, आवाज़ में काफ़ी फर्क पड़ जाता है अगर गलत वायरिंग करेंगे। एम्पलीफायर में ये बहुत मैटर करता है प्लस माइनस, स्टीरियो में लगाएंगे तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन स्टीरियो में भी प्लस माइनस देख के लगाना पड़ता है। एक ऐसा कटर ज़रूर होना चाहिए वायर को अच्छी तरह काटने के लिए। अभी अपने स्पीकर की जो है वायरिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। स्पीकर की वायरिंग, जो दो स्पीकर मैंने इधर रखे हुए हैं पॉइनर के, आप देख सकते हैं ये एक लेफ्ट राइट, ये दोनों स्पीकर पॉइनर के मैंने इधर रखे हुए हैं और इनकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और ये जो वायरिंग है, जो आपकी कार में ये पॉजिटिव होगा, ये ग्राउंड होगा, नो सॉरी ये ग्राउंड होगा और ये रिमोट का होगा जो स्टीरियो में से निकलेगा, ये पॉजिटिव है। और इधर जो वायरिंग है मैंने वो बताई है आपको, स्टीरियो को ले लेंगे अभी। ये ब्ला पंकट का वही पुराने वाला स्टीरियो है, ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सके। सोनी का जो स्टीरियो है वो भी मेरे पास अभी पड़ा है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस नहीं था, उसमें ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं था, इसीलिए मैंने ये लिया है। इसकी पावर उसके बिल्कुल सेम ही है। ये रियर के राइट स्पीकर हैं, इनको अटैच करेंगे। इस सॉकेट को अच्छी तरह पहले एम्पलीफायर से मैच कर लेंगे, फिर इसमें लगाएंगे। इसकी फिटिंग देख लेंगे, इसकी फिटिंग ऐसे हो रही है, ठीक है। ये राइट का है जो प्लस है, ये राइट का माइनस है, ये इधर की दो केबल हैं, जो रेड है वो माइनस है इसमें, क्योंकि ये सॉकेट इसकी नहीं है, ये मैंने अलग से कोई सॉकेट उठाई हुई है, जो इसके साथ आई थी वो मेरे पास अभी नहीं है। तो इसमें रेड है जो माइनस है, उसको मैं माइनस लूँगा और इसको पॉजिटिव लूँगा, ये राइट का जो स्पीकर है। तो इसकी मैं ऐसे वायरिंग करने वाला हूँ।
और इधर का जो है ये भी, इधर का जो रेड है ये भी माइनस है, ये पॉजिटिव है, प्लस है जो, इसको मैंने कटर से पहले ही अच्छे से कटा हुआ है। और इस पे आप वायरिंग देख सकते हैं अच्छी तरह लिखा होता है क्या पॉजिटिव है क्या प्लस है, ये माइनस है। और ये आप देख सकते हैं माइनस पे जो है काला निशान होता है कलर के साथ, और ये ऐसे ही होता है पॉजिटिव। तो पहले पॉजिटिव को ले लेंगे, इनको आप उसमें से अच्छे से अटैच करके टेपिंग साथ के साथ कर दीजिए, क्योंकि स्पार्किंग की वजह से या फिर तारें आप इसकी आपस में जुड़ने की वजह से आपका स्टीरियो भी ख़राब हो सकता है, तो उसमें नोज काफ़ी हो जाते हैं। अभी मैं इसको सिंपली जोड़ रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसको फिक्स नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ घर में आपको बता रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, आप कार में कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम पूरी वायरिंग है जो अल्टो में वो भी दोबारा करके आपको बताएंगे, स्टीरियो की फिटिंग कैसे घर पे और चेंज करने और स्पीकर की वायरिंग चेंज करनी है वो कैसे करेंगे, उस पर भी एक दिन पूरी वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। जो ओकली केबल है वो भी रियर के ही रखेंगे, फ्रंट की नहीं लेंगे। ये शायद रियर है, नहीं ये फ्रंट है, ये रियर होगा जी, ये रियर स्पीकर है, ये रियर माइनस है। इसको भी अच्छे से अटैच करके हल्का सा टेप कर दिया मैंने। अभी पॉजिटिव ले लिया, तो ये जो सॉकेट है हमारी रेडी है। और इन बाकी केबल्स को जो मैंने टेप कर दी है, अगर आपकी कार में दो ही स्पीकर हैं तो बाकी वायर्स को अगर दो ही चला रहे हैं तो टेप कर दो अच्छी तरीके से। और जो इधर की केबल है वो आपको पहले से ही बंद मैंने बता रखा है, जो सप्लाई की होती हैं रिमोट वगैरह की होती हैं जो, तो हम स्टीरियो को ऑन करते हैं और चेक करते हैं इसकी ये साउंड चल गई है या नहीं चल गई है, इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं। इस सॉकेट को बाद में लगाएंगे, पहले हम वायरिंग कर लेंगे। PSU से मैं इसकी वायरिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है स्टीरियो में ये प्लस है और एक वायर इसमें रिमोट की होती है, यही वाली होगी रिमोट की पावर एंटीना, यही है जो स्टीरियो को यहाँ से इसको पावर ऑन करती है। इग्निशन जब आप ऑन करते हैं तो इससे ऑन हो जाता है एम्पलीफायर, बिना वजह ऑन नहीं रहता है। अभी ये प्लस है, ये माइनस है,
ये इसको ऑन करने का रेड केबल। अगर स्टीरियो की वायरिंग आप देखना चाहते हैं तो मेरे कार ऑडियो एट होम की जो वीडियो है उसमें सोनी के स्टीरियो की मैंने कंप्लीट वायरिंग बताई हुई है कैसे करनी है, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूँगा। स्टीरियो की वायरिंग जो कनेक्शन है वो कैसे करनी है, बड़े ध्यान से वायरिंग करनी होती है, कोई भी स्पार्किंग ना हो। इसीलिए घर में अगर कर रहे हैं तो बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। पहली बात तो अगर आप थोड़े बहुत हैंडी हैं कर सकते हैं तो ही कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हो जाएगी तो बिल्कुल मत कीजिए, किसी इलेक्ट्रिशियन से करवा लीजिए। मैं इसको पावर ऑन कर दूंगा। एम्पलीफायर में अभी नहीं पावर आई, स्टीरियो को अगर ऑन करूंगा तो एम्पलीफायर में पावर आ जाएगी। जी आ गई है पावर। और एक बात का ख्याल रखना है, इसको फिल्टर को यहाँ से सेट रखना है। अगर आपको सबवूफर नहीं है तो स्पीकर के पास ही रखेंगे इसको, वो मैं आपको चला के बता देता हूँ। अभी इस सॉकेट को यहाँ पे लगाएंगे, वॉल्यूम काफ़ी हाई है इसलिए थोड़ी हमिंग की प्रॉब्लम दे रहा है, सॉरी एफएम पे था। मेरे पास यूएसबी है, मैं उसको लगा देता हूँ। अभी इसमें यूएसबी लगा देता हूँ मैं, लगाते ही शुरू हो गए। अभी इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, इसको हमेशा इसको यहाँ पे ऑफ में रखना, ऑन नहीं करना। अगर सबवूफर लगाना है आपने तभी इसको ऑन करना है, वरना आपको इसको ऑफ रखना है। सबवूफर के बिना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको यहाँ पर रखना है। और इसको कम से कम रखेंगे क्योंकि जो ये एम्पलीफायर है थोड़ा हैवी होता है, जो आपके कार के स्पीकर हैं वो उनका आरएमएस पावर है वो ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए ख़राब ना हो लो वॉल्यूम पे चलाएंगे। इसको भी कम रखेंगे और इसको भी कम रखेंगे। मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको ज़्यादा रखा हुआ है, इसको भी इसको सेंटर में रखेंगे, इसको बिल्कुल ही यहाँ पर रखेंगे, और इसको भी कम रखेंगे और इसको भी कम रखेंगे, बिल्कुल ही कम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा यहाँ पर ले आएंगे इस जगह पर, ठीक है।
अभी इस सॉकेट का क्या फायदा, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार तू इसको यहाँ पे लेफ्ट राइट लगा के, यहाँ पे लेफ्ट राइट लगा के इसमें सीधा लगा देता। इसमें सीधा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट में आवाज़ करना चाहते हैं, जो इसका जो सेंट इसके इफेक्ट हैं, जैसे ये चीज़ है बैलेंस है, इधर उधर करना चाहते हैं तो वो नहीं आप कर पाएंगे इसमें, अगर उसमें लगा देंगे वो सिर्फ सीधा एम्पलीफायर पे चला जाएगा, वो इसमें नहीं होगा। ये रियर में होगा, ये फ्रंट में। दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए। ये थोड़ी सी आवाज़ जो आ रही है वो ये PSU की वजह से आ रही है, क्योंकि इसमें इतनी पावर नहीं होती है, हमिंग की प्रॉब्लम भी इसी की वजह से है। अगर आप इसको कार में चला रहे हैं तो अच्छी आवाज़ आपकी मिलेगी। और ये थी हमारी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सभी जने, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी सारे को।